हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान कुल एवरीथिंग, जहां पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों कल ही न्यूज़ आई कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि जो पहले 59 ऐप्स को बैन किए गए थे, उसी के साथ और 250 ऐप्स को इंडिया बैन करने वाला है, यानी कि गवर्नमेंट बैन करने वाली है। और उसमें सबसे टॉप लिस्ट में ऐसा सोचा जा रहा है, एक्चुअली कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा सोचा जा रहा है कि पबजी भी बैन होगा। मीनवाइल नहीं हो सकता। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पबजी कितना ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया में। कम से कम 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स पबजी हम रोज़ खेलते हैं। और इसी के लिए जो पबजी के जो सीईओ या फिर जो डेवलपर्स हैं, वो नहीं चाहेंगे कि पबजी बैन हो। लेकिन पबजी क्यों बैन हो रहा है, इसके क्या रीज़न्स है, और इसी हर चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल ज्ञान कुल एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। इंडिया इन जो ऐप्स को बैन करने वाले हैं, जो 250 ऐप्स है, वो सारे ऐप्स लोगों को ज़्यादा कुछ मायने तो नहीं रखते। इसमें से बहुत से छोटे मोटे ऐप्स भी हैं जो मतलब बहुत सारे लाइट वर्जन्स है ऐप्स के, जैसे कि टिकटॉक का जो टिकटॉक लाइट था, उसी की तरह जो बीगो लाइट या बहुत सारे लाइट एप्लीकेशंस थे जो गवर्नमेंट ने पहले से ही 250 में से 40-50 बैन कर चुके हैं। लेकिन अब जो बचते हैं, मेनली जो पबजी है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है, फेवरेट गेम है, और उसके साथ COD भी शायद बैन हो सकता है, क्योंकि वो भी एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है ऐसा कहा जा रहा है। और इसी की वजह से बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो टेंशन में आ चुके हैं और बहुत दुखी हो चुके हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर पबजी बैन हो जाएगा तो फिर और ज़्यादा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग गेम है ही नहीं अभी तक जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप हुआ हो, जो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो। सो उसके लिए गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि जैसे पहले जो 459 ऐप्स को गवर्नमेंट ने बैन किया था, उसका जो मेन रीज़न था कि मतलब वो प्राइवेसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है, और वो सिर्फ उन्हीं ऐप्स के ऊपर नहीं था, एक्चुअली में जो चाइना में जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो ज़्यादा उनकी स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए उनको मतलब सारे ऐप्स में बहुत सारी परमिशन दी गई हैं कि जो चाहे वो परमिशन ले लो, भले वो कैमरा की हो, स्टोरेज की हो, फोटोज़ वीडियोज़ की हो, लोकेशन की हो, कोई भी हो, वो सारे ऐप्स ले लेते हैं। और यही एक प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि जो हमारे जो डेटा है वो चाइनीज़ सर्वर पर जा सकती है और वो हमारे डेटा का मिसयूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने और 250 ऐप्स को सिलेक्ट किया है, जिसमें से सबसे ऊपर है पबजी। सो पबजी एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एक्चुअली में चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं है, वो ब्लू होल की एक्चुअली गेम है। जो सबसे पहले जो पबजी का गेम आई थी, वो आई थी पीसी के लिए, पबजी पीसी करके, और उसी का मोबाइल वर्जन ब्लू होल ने बनाया, पबजी मोबाइल, जिसमें टेंसेंट का भी उसके साथ हाथ है, और टेंसेंट एक्चुअली में एक चाइनीज़ कंपनी है। सो इसी की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि भले ही पबजी पूरी तरह से चाइनीज़ ऐप ना हो, लेकिन फिर भी जैसे कि टेंसेंट ने उसके साथ मिलकर उसको बनाया है, तो शायद कुछ ना कुछ डेटा शायद लीक हो सकता है। और पबजी इतना ज़्यादा डेटा एक्चुअली में नहीं मांगता है, क्योंकि बस वो दो परमिशंस मांगता है, एक होती है माइक्रोफोन की, जो कि आपको गेम खेलते समय टीममेट के साथ बात करने के लिए लगती है, और दूसरी होती है अपनी स्टोरेज की, क्योंकि जो उसकी जो फाइल होती है उसको रखने के लिए फ़ोन तो स्टोरेज चाहिए ही, और उसी के लिए वो स्टोरेज मांगती है, बस यही दो परमिशन मांगती है, ना कि टिकटॉक की तरह कि बहुत सारे मतलब जो परमिशन ना भी चाहिए वो भी सारे परमिशन टिकटॉक मांगता है। उस हिसाब से पबजी को देखा जाए तो इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन जब हम देखें कि माइक्रोफोन की भी अगर वो परमिशन ले रहा है, तब वो उसके पास वो एक्सेस है कि वो जो भी हम गेम खेलते समय जो भी हम बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कर सकता है, और गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहेगी। अब पबजी की तरह COD या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जो कहते हैं, वो गेम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन COD भी उसी के साथ बैन होने वाली है ऐसा कहा जा रहा है। सो इसमें से ज़्यादा दुख मेनली शायद मेरे हिसाब से गेमिंग स्ट्रीमर्स या फिर गेम यूट्यूबर्स, गेमिंग चैनल के यूट्यूबर्स को लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पबजी या फिर COD ही खेल रहे थे, और अगर यही गेम्स अगर बैन हो जाए, फिर उनके पास ज़्यादा कुछ अच्छे गेम्स के ऑप्शन मोबाइल में एटलीस्ट मुझे नहीं लगता रहते कि जो लोग भी ज़्यादा पसंद करेंगे। मेनली अगर पबजी को देखा जाए तो गवर्नमेंट ऐसा भी कह रही है कि मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं या फिर बहुत कम एज के जो बच्चे हैं, वो आजकल पढ़ाई की जगह पर पबजी खेलते रहते हैं। और सच बात बताओ तो मैंने भी थोड़ा सा खुद को एक्सपीरियंस ऐसा किया है, और इसीलिए मैंने दो दिन पहले मैंने पबजी को डिलीट कर दिया। वो एक्चुअली मेरा खुद का ओपिनियन था, इसलिए मैंने डिलीट किया। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे प्लीज़ गालियाँ मत दे देना, ठीक है। सो एक्चुअली पबजी है तो थोड़ा सा एडिक्टिव गेम, लेकिन अगर आप उसको लिमिट में खेलो, जैसे कि हमने सुना है कि अगर कोई भी चीज़ लिमिट में हम करेंगे तो वो अच्छी साबित होती है। और बहुत समय पहले आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आया था कि
बच्चों ने बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मार ली पबजी गेम खेलकर। और कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें एक बच्चे ने जो शायद पंजाब या फिर नॉर्थ इंडिया का कहीं का तो था, उसने 15 से 16 लाख रुपए पबजी के जो यूसी या फिर बहुत सारे जो पेड चीज़ें जो होती हैं उनको खरीदने में ख़त्म कर दी थी। अब अगर ऐसी गलती आप खुद करोगे तो फिर ये आप पबजी या फिर किसी गेम के ऊपर आप अपनी जो गलती वो थोप नहीं सकते, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल सिर्फ पबजी में ही पेड ऐप पेड परचेसेस नहीं है। कोई भी गेम आप ले लो, सबवे सर्फ ले लो, उसमें जो कॉइन्स होते हैं, या फिर बहुत सारे जो भी गेम्स आप ले लो उसमें कम से कम कोई ना कोई चीज़ पैसे में खरीदी जाती है। और अगर आप सिर्फ गेम्स एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हो और कुछ समय के लिए खेल रहे हो तब वो ठीक है, लेकिन आप अगर आप हद से ज़्यादा गेम्स खेल रहे हो, पढ़ाई पर या फिर दूसरे चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो और बिना किसी को बताए अपने पैसों को वेस्ट कर रहे हो तो फिर ये आपकी गलती है। और या ऐसे चीज़ें आप करके आप खुद ही गेम को बैन करवा रहे हो, उसके बाद आप फिर गवर्नमेंट को आपको ब्लेम करोगे कि गवर्नमेंट ने इन ऐप्स को बैन कर दिया। वैसे अगर आपको दुख हो रहा हो कि पबजी बैन होने वाला है और आप अगर आप कौन सा आप गेम खेल सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में 3-4 गेम्स के लिंक दे दूंगा जो ऑब्वियसली चाइनीज़ ऐप्स नहीं होंगी और पबजी की तरह तो नहीं हो सकती क्योंकि उसकी ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हाँ पबजी से भी ज़्यादा ख़राब भी नहीं होंगी गेम्स। अगर आपको शायद पसंद आए तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं। हम सब लोग शायद इन ऐप्स के बिना भी रह सकते हैं। कोई देश के अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है एंड आई होप वो आपको भी लगे। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि पबजी बैन होना चाहिए या फिर ना होना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सिर्फ पबजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ऐप की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी पैसा उसमें कोई भी चीज़ आपको पैसे से खरीद कर लेनी हो तो प्लीज़ आप खुद पैसे कमाओ और उसके बाद दो, अपने माँ बाप के पैसे बेकार में ही उसमें खर्च ना करो। बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें जहाँ पर मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ। आज के लिए बस इतने दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।